मेरी बाई आंख तो फड़क ही रही थी। मेरी दारू और मछली दोनों खराब हो गई। काली दादा, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। ये अब शगुन है जुमरू, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा तो क्या बुरा होने वाला है? साम, साम। साम, साम। 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 सांप, सांप कहाँ है? सांप काली दादा, ईश्वरी मम वश्ये कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं ओम देवी हनम फट स्वाहा। डाकिनी पिशाचिनी मायाविनी, आ तुझे बलि चढ़ाऊंगा, तुझे रक्तपान कराऊंगा, तुझे तुष्ट करूंगा। आ आ तू भी मुझे तुष्ट कर। डाकिनी पिशाचिनी मायाविनी, आ आ। बोल क्या करना है? एक बच्चे को मारना है। बच्चा? एक बच्चे को मारने के लिए मुझे कष्ट दे रहा है तू? अबे भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल मुझ पर हंसेंगे, मेरी बदनामी होगी काली दत्त। डाकिनी वो साधारण बच्चा नहीं है। तू कहना क्या चाहता है? वो बच्चा अवतार है? अबे अवतार होना तो द्वापर में ही बंद हो गया था और कलयुग में अवतार होने से रहा। कलयुग में ऐसी कौन सी कोक है जो अवतार को संभाल सके? हे हे डाकिनी, मेरी बहन भक्ति देवी की कोक, सुना है उसके यहाँ मेरे पुराने शत्रु पूर्ण पुरुषोत्तम ने जन्म लिया है। तू पागल है, फिर भी तूने मुझे जगाया है तो उसका प्राण तो लेना ही पड़ेगा। बिना प्राण लिए जाऊंगी तो सारे भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल मुझ पर हंसेंगे। घनश्याम अब गया काम से। हाँ?
दादा, एक बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो? जाने दो ना, बच्चा है। बोल दिया ना, ये बच्चा नहीं, मेरे पिछले जन्मों का काल है। पिछले जन्मों की शत्रुता? मैं समझा नहीं काली दादा। ये शत्रुता सिर्फ जन्मों जन्मों की नहीं, युगों युगों की है जुमरू। जब भी कोई मेरे जैसा पैदा होता है, हमारा नाश करने के लिए कोई घनश्याम जैसा पैदा हो जाता है। बड़ी मेहनत से हम मनुष्यों को लोभ, क्रोध, अभिमान, हिंसा, बैर और पाप की तरफ ले जाते हैं, ताकि वे हमारे गुलाम बने रहें। मगर घनश्याम जैसा कोई आता है और हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देता है।
वो मनुष्यों को प्रेम, प्रार्थना, दया, करुणा, भक्ति, पुण्य आदि की ओर ले जाने लगता है। पाप और पुण्य की ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है जुमरू, परंतु इस बार मैं ये लड़ाई सदा के लिए खत्म कर दूंगा। घनश्याम तो अभी बच्चा है, मैं पुण्य के बीज को वृक्ष बनने से पहले ही नष्ट कर दूंगा। मेरे साथ भी लुका छिपी खेलना चाहते हो? अच्छा, चलो खेलते हैं। घनश्याम, कालीदत्त ने तुम्हें क्यों पकड़ा था? वो भी बेचारा खेलना चाहता था। ओम कंकाली महाकाली केली कलाभ्याम स्वाहा। ओम कंकाली महाकाली केली कलाभ्याम स्वाहा। काली महाकाली केली कलाभ्याम स्वाहा। ओम कंकाली महाकाली केली कलाभ्याम स्वाहा। ओम कंकाली महाकाली केली कलाभ्याम स्वाहा। Oh.
घबराने की जरूरत नहीं, ये तूफान शांत हो जाएगा। रक्त कम्बले महादेवी मृतक मृत्थापये प्रतिमां चालय पर्वतान् कम्पय निलय विलस हूं हूं। छाव में चलो। Huh?
राम प्रताप, राम प्रताप। अरे बेटा देख तो घनश्याम कहाँ है। वो तो मित्रों के साथ बगीचे में खेलने गया था। बगीचे में इतनी आंधी पानी तूफान में? अरे तेरे पिताजी कहाँ हैं? उनको बुला बेटा। अभी आया माँ। पता नहीं मेरा लाल कहाँ है, यहाँ किसी को चिंता नहीं। पिताजी, पिताजी। क्या बात है राम प्रताप? आप लोगों को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है, दोपहर से घनश्याम का कुछ पता नहीं और आप लोग घर में आराम से बैठे हैं। अरे यही कहीं होगा किसी के घर। किसी के घर नहीं पिताजी, वो तो बगीचे में ही खेलने गया था। बगीचे में? चल चल मेरे साथ खजाना, लालटेन भी साथ ले ले, अंधेरा घिर रहा है। डंडा भी साथ ले लेते हैं धर्मदेव जी, बरसात में सांप बिच्छू भी बहुत निकलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो ले लो ले लो, ठीक है चलो। हे भगवान, मेरे घनश्याम की रक्षा करना। हे भगवान, रक्षा करना मेरे बेटे की। घनश्याम, 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 अरे हो घनश्याम, घनश्याम, अरे घनश्याम, अरे अरे घनश्याम, 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 कहाँ गया है भैया? घनश्याम, 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 बच्चों, घनश्याम कहाँ है? तुमने घनश्याम को देखा क्या? पता नहीं। हाँ? कैसे पता नहीं? तुम ही लोगों के साथ खेल रहा था ना? हाँ, मगर क्या?
पेड़ गिर पड़ा। कहाँ? किधर? जल्दी बता। घनश्याम, घनश्याम, कालीदत्त। जब कालीदत्त जैसा मजबूत आदमी नहीं बचा तो एक 3-4 साल के बच्चे का क्या हाल हुआ होगा? पिताजी, घनश्याम, आप लोग इस अंधेरे में किसे ढूंढ रहे हो? ये तो घनश्याम की आवाज है। घनश्याम, घनश्याम कहाँ हो बेटा? अच्छा हुआ, भगवान की कृपा है कि घनश्याम मिल गए। सब बच्चे ठीक हैं। बहुत कृपा है भगवान की।